सासु माँ सीरियल है, रियल लाइफ हो या रील लाइफ में आइडियल सासु माँ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जैसी रील लाइफ में मैं सोच रही हूँ कि वो उनमें माँ होनी चाहिए, माँ का प्यार मिलना चाहिए, माँ का कंसर्न मिलना चाहिए. तो वैसे ही मैं रियल लाइफ में चाहती हूँ कि मेरी सासु माँ मेरी माँ मिल जाए, तो बात ही क्या है. तो ये मेरा मेन कंसर्न है शादी के बाद. जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, बहुत खुशमिजाज कैरेक्टर है, बहुत हेल्पफुल कैरेक्टर है, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो कैरेक्टर प्ले है उसमें कितना सिमिलैरिटी है? बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है एक्चुअली. मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं हेल्पफुल हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं संस्कारी हूँ. और देखिए, और कलर्स आप शो में देखेंगे मेरे कैरेक्टर के, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा अब माँ से प्यार तो एक्चुअली है भी, बहुत ज़्यादा है और अब तो और भी ज़्यादा हो गया है. जैसे आपने बताया कि पहली बार आप कोई हिंदी शो करती हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा, क्योंकि मेरे जो कोर कास्ट है हिबा एंड सत्तू, दे आर रियली दे आर माई सन एंड डॉटर. दो आई एम प्लेइंग अ खड़ू सास, बट आई एम नॉट लाइक अ खड़ू सास, बट आई एम एंजॉइंग डेफिनेटली. बड़े पर्दे पे बहुत सारी एक्ट्रेस ने खड़ू सास का रोल लिया है, ऐसा कोई आइडियल है आपकी नज़र में जिसको आपको लगता है कि बहुत अच्छी तस्वीर आती है इस रोल को, जैसे ललिता पवार की बात कर लें या और भी कई सारे लोग? नो, नॉट सी दिस मा साब कैरेक्टर इज़ नॉट लाइक ललिता पवार और अरुणा ईरानी जी जैसे करती थी वैसे. शी इज़ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, यस शी इज़ स्ट्रिक्ट, बट शी इज़ लवेबल ऑल्सो. शी लव्स हर सन slowly and steadily, definitely her daughter-in-law. So what is the subject which is really involved, kis subject pe karta hai basically karne ka? Ye pari ki journey hai, jab se wo bachpan mein choti si thi, I think 6 mahine ki hogi, uski maa guzar gayi thi, to maa ka pyar usse nahi mil paya. Usne dhoondne ki koshish ki apni step mom mein, jo uski maasi maa hai, wo nahi dhoond payi, par koi baat nahi, she is very optimistic, happy go lucky girl. तो उसने सोचा, फिर मतलब धीरे 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 उसकी दिमाग में ये चीज़ थी और इनबिल्ड होती गई कि जब वो शादी होगी और शादी के बाद जो सासू माँ मिलेंगी तो उनमें उसे माँ का प्यार ज़रूर मिलेगा. तो यही स्टोरी लाइन है हमारे शो की, कि कैसे उसकी जर्नी मतलब धीरे धीरे डेवलप करती है और आगे बढ़ती है, और पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स दिखाई देंगे इस जर्नी के. और जर्नी में आप कैसे लव और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बड़ी को? बेसिकली सत्तू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सत्तू की माँ सत्तू के लिए सब कुछ है, और जो कि है भी. और स्टोरी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, कैसे सत्तू और परी मिलेंगे और क्या क्या आगे होगा. और बेसिकली सत्तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाहता है कि घर वाले सारे साथ रहें. सत्तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी का बुरा नहीं चाहता. सत्तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो माँ की, अगर ऐसा फील होता भी है कि माँ कुछ गलत कर रही है, तो सत्तू सोचता है नहीं, माँ कभी गलत नहीं. आपके कैरेक्टर में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों साथ में है या सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है? नो, माँ साहब के कैरेक्टर में पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों साथ है. नेगेटिविटी नॉट एज सच नेगेटिविटी, इट्स जस्ट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड एज बिकॉज शी इज़ हार्ड वर्किंग, स्ट्रिक्ट, दैट्स इट. बिकॉज वे हमेशा सोचती है कि बहू जो होती है वो घर की इज्जत होती है, और बेटी जो होती है वो अपनी खून होती है. तो वो उनके एक कंफ्लिक्ट है विद बहू, सो दैट्स हाउ इट इज. For his birthday this year, happy birthday, Salman.